चलिए आज बनाती है अपनी फेवरेट सब्जी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे जीरा। जीरे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अच्छा। और ये देखिए काट के सब रखा है, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च, उसको चला देंगे इस तरह से। तो ये देखिए प्याज के टेस्ट से भूंज रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें डाली मैंने, लहसुन भी अधिक डाला है, प्याज डाला है, अदरक भी साथ में डाली है। तो इसमें अब जाएगी धनिया, एक चम्मच धनिया, ज़्यादा धनिया नहीं डालना आपको। इससे क्या होता है ना, ज़्यादा धनिया जब आप डालेंगे तो टेस्ट जो है ना बहुत बेकार हो जाता है। तो हल्दी एक चम्मच जाएगी इसमें, और ये है लाल मिर्च, तो इसको लाल मिर्च को डाल देंगे इस तरह से। हरी मिर्च भी मैंने डाली है, बट मुझे तीखा पसंद है तो मैं इसलिए तीखा बना रही हूँ। ये है हमारी हरी हरी सेव, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको ऐसे डालती हूँ इस तरह से। ये सब्जी है बचपन से मुझे बहुत पसंद थी, मम्मी बनाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। डाल दिया है और ये चला रही हूँ इसको इस तरह से, इसको 2 मिनट चलाना है, नमक बाद में डालना है। 2 मिनट चला के इसको पानी इसका सूख जाना चाहिए, ये नहीं कि आपने पहले ही नमक डाल दिया और सब्जी का सत्यानाश हो गया। तो अब पानी सूख चुका है 2 मिनट चला के, तो अब इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार जितना आपको पसंद है। तो मैं तो नमक हल्का खाती हूँ तो मैंने नमक हल्का ही डालूंगी इसमें। और फिर इस तरह से चला के इसको ढक देना है, सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, अब बस इसको 5 मिनट के लिए ढक, देखिए मैं ढक देती हूँ सब्जी को। और इसको धीमी आग से पकाना है, यानी कि तेज जला दिया और बस धीमी आग से पकाइए इसको। तो देखिए सब्जी को चला रहे हैं, चला के इसको 1-2 मिनट के लिए फिर बंद कर देना है, फिर आपको चलाना, बस आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।